नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव व्याख्यान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आप सभी अवगत हैं कि हमने आपके लिए एक नई श्रृंखला का आगाज किया है, एक नई श्रृंखला की शुरुआत की है, और ये श्रृंखला है राग और बंदिशें। इसके तहत हमने अपने पिछले सेशंस में चर्चा भी की, और मित्रों अपने पिछले व्याख्यान में हमने राग देशकार पर विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी। मित्रों, आज भी हम इस सेशन में यही कोशिश करेंगे कि आपको राग देशकार और इससे संबंधित बंदिशों से परिचित कराएं, और बताना चाहेंगे इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी भारती कॉलेज के संगीत विभाग में HOD हैं। आपने मात्र 5 साल की उम्र से सीखना शुरू किया। आपका परिचय हम करवा देते हैं कि आपने तालीम ली पंडित शंकरनाथ पाटिल जी, विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी और डॉक्टर सरयू कालेकर जी से। आपने कई आलेख, शोध पत्र, किताबें लिखी हैं, और आपका हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि कितनी सरलता, कितनी सुगमता के साथ संगीत इस विषय को जन जन तक पहुंचाए, इसीलिए आप अपने छात्र छात्राओं के बीच भी लोकप्रिय हैं। आज इनके साथ एक बार फिर तानपुरे पर हैं रूपम जी, जो इनकी ही शिष्या हैं, और बताना चाहेंगे तबले पर इनके साथ हैं कुलदीप कुमार जी, जो पंडित मिथिलेश कुमार झा जी के शिष्य हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं सबसे पहले सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का, और इनके साथ रूपम जी और कुलदीप जी का। सरिता जी, पिछले सेशन में हमने राग देशकार इसके बारे में चर्चा की, और उसके बाद हमने बंदिशों को भी सम्मिलित किया। आज भी हम यही कोशिश करेंगे कि इस राग संबंधी जितनी भी जानकारी हम आपसे प्राप्त कर पाएँ, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। जैसे कि राग की बात हम लेते हैं, तो राग जो है महज एक या दो लेक्चर में राग जो है वो ख़त्म नहीं हो पाता, या हम कहें कि उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। तो हमने इस श्रृंखला में ये एक बहुत ख़ास चीज़ आपके सामने लेकर आए कि बंदिशों का जो कलेक्शन है, यानी एक राग में विभिन्न बंदिशें जो हैं वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन साथ ही साथ यदि हम कोई ऐसा राग शुरू करते हैं जो कि हम शायद पहले नहीं बता पाए, या ऐसा राग जो हम पहले बता भी चुके हैं लेकिन उसका थोड़ा बहुत हम उसको रिवाइज करेंगे कि उसका जो किस प्रकार सा उसका स्ट्रक्चर है, कैसे वो राग बनता है, कौन कौन से स्वर प्रयोग होते हैं, कौन सी स्वर संगतियाँ हैं, उसका समय क्या है, भाव क्या है, प्रकृति क्या है, न्यास के स्वर क्या है, ये सब हमें जब हम राग की बंदिशों पर आने से पहले इनको जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो हम राग देशकार की बात कर रहे थे, जो कि हम अपनी इन जो डिस्टेंस एजुकेशन की जो ये श्रृंखला है इसमें हम पहली बार इस राग को ले रहे हैं। तो राग देशकार, जैसे मैंने कहा कि इसको बिलावल थाट के अंतर्गत माना जाता है, सभी स्वर इसमें शुद्ध हैं। इसकी जाति जो है वो औड़व मानी गई है, यानी आरोह और अवरोह दोनों में 5-5 स्वरों का प्रयोग होना। इसकी जो ख़ास बात है वो है कि इसमें धैवत जो है वो वादी है और संवादी गांधार है। धैवतवादी होने की वजह से ये उत्तरांगवादी राग माना गया है, यानी राग का जो चलन है वो अपने आप में वादी स्वर बताता है कि वो उत्तरांग जो इसका भाग है उसमें ज़्यादा है, यानी कि मध्य और तार का जो है सप्तक का ये राग है, यानी उसमें ज़्यादा इसको गाया जाता है। इस राग को गाते समय जो है विभिन्न स्वर संगतियाँ, या हम कहें कि राग की विशेष जो विशेषताएँ जो होंगी ख़ास तौर पर स्वरों को लेकर, क्योंकि राग की और तो विशेषताएँ हैं लेकिन जब हम स्वरों की बात करते हैं, राग जो है वह बोलता है। राग को जब हम गा के हम नहीं बताएंगे, हम आपके सामने सिंपल कहते हैं कि इसमें सारे घ प ध सा प्रयोग है, या ग प की संगति है, ध और ग की संगति है, या पंचम पर न्यास है, धैवत अधिक प्रयोग, तो ये महज एक बोलने की बात होती है। क्योंकि संगीत एक प्रायोगात्मक जो है कला है, उसको फाइन आर्ट्स है, उसको प्रैक्टिकली जब तक हम क्रियात्मक रूप में नहीं बता पाएँ तब तक वो पूरी तरह से उसकी जानकारी नहीं हो सकती। तो हम आज फिर से शुरू करते हैं कि राग देशकार जो है उसके पहले हम सबसे पहले लेते हैं विशेष स्वर संगतियाँ। जैसे हम किसी भी राग को आरंभ करें तो सबसे पहले हम षड्ज को भरते हैं, यानी सा को भरना, यानी सा कुछ देर तक सिर्फ सा को गाकर उस पर स्थिर रहना। सा सा रे गा
कुछ लोग ऋषभ का जो है वो लंघन करते हैं आरोह के समय, सा ग प ग रे ध सा, या सा ग प ध सा रे ध सा ध प ग रे सा रे ध सा। इस प्रकार से जो है देशकार के आरोहों को लिया जाता है। अब इसकी पकड़ की बात आई, सा ग प द ग प द सा रे ध सा द प द ग प, तो ये जो फ्रेज है इसको हम बार बार गाएंगे तो राग देशकार अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आएगा। अब हम बात करते हैं इस राग में प्रयोग होने वाली विशेष स्वर संगतियाँ। ग प द प द ग प द प द द प, आपने देखा धैवत इसका वादी है तो बार बार मैं धैवत को अधिक दिखा रही हूँ। ग प द प द द प, तो ये स्वर संगति बहुत इस्तेमाल होती है, बहुत गाई जाती है या बजाई जाती है। दूसरा प द ग प ध ग प, तो इस प्रकार से बिलावल अंग जो है यहाँ पर नजर आता है, ध ग प, ये खास है बिलावल अंग, और इसमें पंचम क्योंकि न्यास का स्वर है, प द ग प, इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा ग प द प ग रे सा रे द सा, तो सा रे द सा इसका प्रयोग बार बार करना है क्योंकि ये धैवत को जो है मंद्र सप्तक के धैवत को दिखाता है। हम किसी भी राग को एकदम मध्य और तार से शुरू नहीं कर सकते, हमको षड्ज से ही उसका आरंभ करना है। तो जो भी स्वर से प्रयोग हो रहे हैं उसका थोड़ा बहुत मंद्र में तो हमने दिखाना ही है, तो मंद्र में सा रे द सा इसका प्रयोग बार बार करना, तो ध सा रे द सा, ये इस प्रकार से इस्तेमाल होता है। एक और चीज, क्योंकि पंचम इसका न्यास का स्वर है, तो सा रे द सा प सा प सा रे द सा सा प द ग प सा रे द सा। देखिए पंचम पर भी आ रहे हैं, और मैं जैसे कि बार बार कहती हूँ जब हम रियाज करते हैं उस समय हमने मंद्र के स्वरों को ज़रूर लेना है। जैसे कि एक उदाहरण में मैं आपसे यदि कहती हूँ कि भाई इस राग में ये मध्य और तार का राग है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो राग मंद्र में बिल्कुल नहीं गाया जाएगा। जब हम रियाज कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस सेशन जो हमारा है, ख़ास तौर पे हम सुबह यदि रियाज कर रहे हैं तो उस समय हमने मंद्र के स्वर उस राग के ज़रूर लगाने, और जितना हो सके हमें मंद्र में जाना चाहिए। सा रे द सा प सा सा प द ग प, इससे दो फायदे हैं। एक तो हम अपने आवाज़ को जो है हम उसकी जो हम कहते हैं कि वॉइस ट्रेनिंग जो है, आवाज़ की जो हमारा जो प्रशिक्षण है वो हो रहा है, हमने धीरे धीरे मंद्र में जा रहे हैं, तो गला सुबह जो है हम जैसे कहते हैं एकदम मध्य और तार में नहीं जाना चाहिए, सुबह हमें मंद्र का अभ्यास ज़्यादा करना चाहिए। तो यहाँ पे यदि एक प्रश्न विद्यार्थियों के मन में आता है कि यदि मैंने कहा ये राग मध्य और तार का है तो इसका अर्थ ये नहीं कि मंद्र में बिल्कुल भी इसका अभ्यास न किया जाए। अभ्यास रियाज के समय मंद्र को हम पहले ले सकते हैं। सा रे द सा प द ग प ग प द प ग प द प सा रे द सा ग प द प द द द सा रे द सा, जो मंद्र में है वही मध्य में प्रयोग होगा। ग प द ग प ग प द द सा द प ग प द द प प द द ग प द द प द सा द
प ग प ध प ग रे सा रे द सा सा ग ग प। तो इस प्रकार से षड्ज से सीधे गांधार पर आने से और उसके बाद पंचम को लेने से देशकार अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। और ये जैसे मैंने कहा कि बार बार सा रे द सा, इसको बार बार प्रयोग करना चाहिए। षड्ज और गंधार की संगति सा ग प सा ग ग प द ग प ग प ग रे सा रे द द सा। तो इस प्रकार से हम इन स्वरों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि सा ग ग प, ये अधिकतर गायक जो है भोपाली से जब इस राग को अलग करते हैं या देशकार का जो स्वरूप दिखाते हैं तो उसमें षड्ज से सीधे गांधार पर जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि सा रे ग प ऐसा नहीं गाएंगे, ये भी गा सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग कंपैरेटिवली सा ग प इसके कंपैरेटिवली जो है इसका प्रयोग कम है। सा रे ग प द द सा द प ग प द द प, तो इस प्रकार से भी जा सकते हैं। और सा ग ग प द द सा द प ग प ध द प, ये भी बखूबी राग देशकार को दर्शाता है। इसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि ग प द प द ग प द सा द ध ग प ग प द प ग रे द सा, तो आप देखिए कि धैवत को बार बार हम दिखा रहे हैं, यानी कि धैवत पर बहुत अधिक न्यास है। संगतियों में भी, स्वर संगतियों में भी धैवत आता है। उसके बाद आप देखिए गांधार दूसरे नंबर पर प्रबल है, यानी संवादी है। तो वादी और संवादी को जैसे राजा और मंत्री की उपमा दी गई है तो वो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पंचम भी न्यास का स्वर है, ग प सा सा ग ग प ग प ध द प, चाहे धैवत पर जा रहे हैं तब भी पंचम पर न्यास है। ग प गांधार को लेके भी गाएंगे तब भी पंचम पर न्यास है। हम ग प द द सा द प, फिर पंचम पर न्यास हो रहा है। ग प प सा द प, कभी कभी पंचम से सीधे षड्ज पर भी जा सकते हैं, या सा प, इस प्रकार भी षड्ज और पंचम का संवाद जो है वो मिलता है। तो ये कुछ खास चीज़ें, खास संगतियां हैं जो कि राग को बनाती हैं। और वैसे भी मैंने जैसे बार बार मैं कहती हूँ कि राग केवल मात्र आरोह अवरोह से नहीं बनता, राग जो है वो उसके चलन से बनता है, यानी उसको किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों को एक बहुत साधारण सा उदाहरण देती हूँ कि हम कहते हैं कि पूरे विश्व में जो है गेहूँ या चावल, ये दो ऐसे अनाज हैं जिनका प्रयोग पूरे विश्व में किया जाता है, लेकिन इससे असंख्य जो है रेसिपीज बनती हैं। उसमें किसका किस प्रकार से कैसे प्रयोग किया जाता है, किस प्रमाण में किया जाता है और किस संगति के साथ किया जाता है, यानी उसमें क्या और इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, उससे अलग अलग जो है वो स्वादिष्ट पकवान बनते हैं। तो इसी प्रकार से मैं स्वरों की बात करती हूँ कि स्वरों में भी स्वर संगतियों का कितना किसके साथ कैसे प्रयोग होता है, ये उस राग के चलन को दर्शाता है या उसको बनाता है, और उसी चलन से जो है हमें राग जो है वो स्पष्ट होता है। तो ये मैंने एक बहुत आपको महत्वपूर्ण बात बताई जो कि विद्यार्थियों को यदि शुरू में क्लियर हो जाए तो राग की बढ़त करते हुए उनको कोई मुश्किल नहीं होती। अब हम एक छोटी सी बंदिश गाते हैं, उसके बाद हम आपको इसके स्वर विस्तार के बारे में बताएंगे। इस बंदिश के बोल हैं, तुम परवारी कृष्ण मुरारी, इतनी हमारी सुनो बनवारी। अंतरा है, लेकर चीर कदम पर बैठ, हम जल माझ उघारी। तो बहुत सुंदर जो है कृष्ण की लीलाओं के ऊपर जो है ये बंदिश है। और इसमें स्वरों की जो संगतियाँ मैंने आपको बताई हैं वो एकदम स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। ये बंदिश भी आप देखिए 12वीं मात्रा से शुरू हो रही है, यानी तबले पे पहले तीन ताल देखते हैं, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन
ता ता धिन धिन धा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, तू मा पारवारी कृष्ण मुरारी, तू मा पारवारी कृष्ण मुरारी, तू मा पारवारी कृष्ण मुरारी, इतनी हमारी सुनो बनवारी, इतनी हमारी सुनो बनवारी, तुम पारवारी कृष्ण मुरारी, साधा सा पप ग प ध प ग रे सा, हम पंचम पर भी आ सकते हैं और धैवत का भी प्रयोग कर सकते हैं, दिन दा धा दिन, तुम पारवारी कृष्ण मुरारी, तुम सा सा प प ग प ध प ग रे सा, तुम पारवारी ऐसे भी आ सकते हैं, कृष्ण मुरारी सा द सा सा द द प प ग प ध प ग रे सा, तुम पारवारी कृष्ण मुरारी, तुम पारवारी कृष्ण मुरारी, इतनी हमारी सुनो बनवारी, रे द द द सा 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 ग प ध प ग रे सा, तुम पारवारी कृष्ण मुरारी, ले कार चीर कदम पर बैठे, ले कार चीर कदम पर बैठे, हम जल माज उघारी, हम जल माज उघारी, स्वर की संगतियों को देखिए कि उसमें जिस प्रकार से द द सा सा प प सा से पंचम पर भी आ रहा है, द द सा सा धैवत जुग जा रहा है, षड्ज को छूता हुआ जा रहा है, ग प द प ग रे सा ग प द प ग रे सा, तुम परवारी ग प द प ग रे सा, रे द द सा 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 ग प द प ग रे सा, यहाँ पे रे द सा ये भी स्वर संगति बखूबी प्रयोग है, रे द द सा 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 ग प द प ग रे सा, तुम पारवारी कृष्ण मुरारी, ले कार चीर कदम पर बैठे, द द सा 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 द द सा रे सा सा द प प द सा 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 द द सा रे सा सा द प, हम जल माज उघारी, रे सा द रे रे सा द प प द सा सा द सा द प ग रे ग प ग रे सा, तुम पारवारी कृष्ण मुरारी, तुम पारवारी, अब थोड़ी हम लय बढ़ा के, तुम पारवारी कृष्ण मुरारी, तुम पारवारी कृष्ण मुरारी, इतनी हमारी सुनो बनवारी, इतनी हमारी सुनो बनवारी, तुम पारवारी कृष्ण मुरारी, ले कार चीर कदम पर
मुरारी तुमा पार वारी तुमा पार वारी तुमा पार वारी कृष्ण मुरारी। तो आप ये देखिए कि मैंने जो बंदिश गाई, इस बंदिश में धैवत पर बहुत न्याज था और षड्ज तार सप्तक के धैवत से लेके तार सप्तक के षड्ज तक या ऋषभ तक जो है वो बंदिश जा रही थी, गांधार पे भी गई। और जुगा पा दा दा पा, ये जो स्वर समुदाय है इसको बखूबी इसका इस्तेमाल हुआ। षड्ज से मध्य सप्तक के षड्ज से मंद्र सप्तक के पंचम पर आना या तार सप्तक के षड्ज से पंचम पर आना, ये इसमें बार बार दिखाया गया। तो हम इसको जैसे एक शब्द कहते हैं ना कि उसका जो व्याकरण है, ग्रामेटिकली कहें या टेक्निकली कहें, उसको हमको राग को कहीं ना कहीं उसको समझना पड़ता है। और उसके बाद हम जब राग को गाते हैं, जब हम उसको परफॉर्म करते हैं, तो हम थोड़ी बहुत उसमें वेरिएशंस ले आते हैं। जैसे मैंने भी गाते वक्त नोटेशन होते हुए भी मैं उसको थोड़ा बहुत चेंज कर रही थी। जैसे मैंने इसकी जो तान आई इसके अवरोह में, ये अंतरे में जो दूसरी लाइन में जो तान ग ग प प द सा सा द ब ग रे ग प द ब ग रे सा, अब इसमें प द सा सा द ब ग रे ग रे सा ऐसे भी हो सकता है, लेकिन उसको सजाने के लिए जो है इस प्रकार से तानों का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम गाते तो हम बिल्कुल वही मोनोटोनस बंदिश को वैसे ही नहीं गाते, हालांकि सिखाते वक्त पहले बिल्कुल सीधा सीधा बंदिशों को सिखाया जाता है। तुमा पार बारी कृष्ण मुरारी, इस प्रकार से बिगनर्स को ऐसे सिखाया जाता है। लेकिन जब हम राग को समझ लेते हैं, राग के स्वर समुदायों को समझ लेते हैं, उसको हम बार बार प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, तो उसके बाद हम राग को इंजॉय करते हुए गाते हैं, ये जानते हुए कि हमसे अब सुर जो है वो गलत नहीं लगेगा। जैसे तुम पार बारी कृष्ण मुरारी, तुम पार बारी कृष्ण मुरारी, ये बंदिश जो है इसको हम कहें कि इस बंदिश में हमने जो स्वरों का इस्तेमाल किया है उसका हम ज़्यादातर षड्ज और मंद्र सप्तक के पंचम को ले या षड्ज को और पंचम को ले, तो इस प्रकार से हम गा तो रहे हैं, लेकिन उसको हम थोड़ा वेरिएशन दे सकते हैं। जैसे तुम पार बारी तार सप्तक के षड्ज को लेके और पंचम को लेकर, लेकिन हम तार सप्तक के षड्ज से धैवत को भी ले सकते हैं। तुम पार वारी इस प्रकार से भी हम गा सकते हैं, क्योंकि अब हमें राग जो है वो जब हमको समझ में आ जाता है कि हाँ ये स्वर संगति इसमें प्रयोग होती है, ये स्वर अधिक प्रयोग होता है, तो हम उसको अपने आप से भी कुछ चीज़ें क्रिएट करना शुरू करते हैं। और क्योंकि हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है वो क्रिएटिविटी पर आधारित है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक राग को यदि मैं गा रही हूँ या कोई और कलाकार गा रहा है, कोई और स्टूडेंट गा रहा है, वो बिल्कुल एक ही जैसा होगा, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि हर एक की क्रिएटिविटी अपनी अलग है। बात वही है, उन्हीं स्वरों को एक कलाकार, दूसरा कलाकार, तीसरा कलाकार वही राग और उन्हीं स्वरों को लेकर प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन हर एक में अलग क्रिएटिविटी नज़र आती है जो उसकी स्वयं की होती है, चाहे उसने कितना भी उसको रटा हो या कितना भी उसको सीखा हो। तो यही तो एक बहुत बड़ी खूबी है हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की। तो जब हम ख्याल की बात करते हैं तो ख्याल तो वैसे भी कल्पना कहते हैं, कल्पना शब्द जो है ख्याल का पर्याय है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम स्वरों को लेके उनके साथ खेलना शुरू करते हैं, हम अपनी कल्पना शक्ति का वहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो ये तो बात थी, आपको एक बंदिश का उदाहरण मैंने दिया। अब हम जाते हैं कि हम किसी भी तरीके से उसके स्वर विस्तार को पहले जाने, किस प्रकार से उसका उसकी बढ़त की जाती है। षड्ज से हम शुरू करते हैं। सा जो है, क्योंकि वो सबसे पहले सा से ही राग शुरू होता है, तो सा स्वर भरना, सा रे द सा प द सा सा द सा रे द सा ग प द द सा। देखिए षड्ज पर तो हम रुकेंगे, आरंभ में स्वर को भरेंगे, षड्ज जो है चाहे मध्य सप्तक का है उस पर बार बार आके
हर आलाप उस पर अंत करता है। लेकिन यहाँ पर ये राग मध्य और तार सप्तक है, तो इसमें तार सप्तक का स्वर जो है वो अधिकतर चमकता है, चाहे बंदिश लें चाहे हम राग का विस्तार करें, क्योंकि राग जो है वो मध्य और तार सप्तक का राग है। ध सा सा रे द सा ग प द द प ग रे सा रे द सा सा ग ग प प ग प ग रे सा रे द सा। देखिए बार बार सा पे आके रुक रहे, ग प द द सा द प, तार सप्तक के सा पर प सा द प ग प प सा रे सा द प ग प द द प द सा द प, तो तार सप्तक का सा भी उतना ही चमक रहा है। तो सा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी सा की जब हम बात करते हैं तो षड्ज जो है वो एक कहावत है या एक संगीत के भाषा बोलते हैं कि निरंतर वदती इति वादी, जो निरंतर वदता है, निरंतर जो बज रहा है, निरंतर जो गाया जाता है, जो बोलता है वो वादी है। तो इस प्रकार से तो हर राग में सा वादी होगा, ऐसा गुणीजन कहते हैं। लेकिन ये एक अलग बात है, क्योंकि सा तो है तानपुरे पर भी, आप देखिए सा पर तानपुरा मिलाया जाता है, तबले को भी हम कहें षड्ज पर मिलाते हैं, पंचम पर या मध्यम पर मिलाते हैं, तो ये सा तो इम्पॉर्टेंट है ही। अब इसके बाद हम कहें ऋषभ, ऋषभ जो है उसको बहुत अधिक उस पर न्यास नहीं होता। ऋषभ जो है वो सा रे द सा, इस प्रकार से ये स्वर संगति देशकार की बहुत प्रमुख स्वर संगति उसमें आती है, तो सा रे द सा, इस प्रकार से ऋषभ का प्रयोग। हाँ, एक बात और कि यदि हम ऋषभ पर ज़्यादा रुक जाएं, ये प्रश्न आएगा विद्यार्थियों के मन में, सा रे रे द रे द सा, तो ऐसे करने से राग बदल जाएगा। मैंने जैसे आपको कहा कि शुद्ध कल्याण एक राग है जो बहुत ज़्यादा देशकार और भोपाली के करीब है, और औड़व शुद्ध कल्याण जो रामपुर सदारंग परंपरा में गाई जाती है, रामपुर घराने में बहुत गाया जाता है ये राग, तो इसमें तो ऋषभ जो है वो इतना प्रोमिनेंट है। सा द रे 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 द सा द रे ग रे द रे, तो राग इसका मतलब ऋषभ पर ज़्यादा न्यास सुनते राग ही बदल जाता है, बिल्कुल इसका उदाहरण यहाँ पर मिलता है। तो ऋषभ अधिकतर गायक कलाकार, अधिकतर शिक्षक गण जो है वो ऋषभ को आरोह में जो है वर्जित करते हैं, सा ग प इस प्रकार से जाते हैं। कभी कभी उसको सा रे ग प कभी कभी लेते हैं, तानों में भी लिया जाता है, लेकिन सा ग ग प इस प्रकार इसका उल्लंघन करके जो है इसका प्रयोग आरोह में नहीं करते। और अवरोह में जिस तरह से सा रे द सा, इस प्रकार से स्वर संगति में ऋषभ का प्रयोग किया, चाहे वो मध्य सप्तक हो चाहे वो तार सप्तक हो। तो इसके आगे के जो गांधार है और स्वर हैं उनके बारे में मैं इसके शेष भाग में आपको बताऊंगी। यहाँ पर हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर सरिता पाठक चतुर्वेदी जी का, जिनके माध्यम से हम राग देशकार पर चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि एक छोटे से विराम के बाद हम आप सभी के सम्मुख फिर प्रस्तुत होंगे और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव व्याख्यान में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप सभी अवगत हैं कि हमारी विशेष श्रृंखला राग और बंदिशें, इसके तहत हम राग देशकार पर चर्चा कर रहे हैं और इस सेशन के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी एक अध्यापिका होने के साथ साथ एक लाइव परफॉर्मर भी हैं और सीसी के लाइव सेशंस के माध्यम से आप सभी तक संस्कृत विषय को सरलता से आसानी से पहुँचाते हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का और इनके साथ रूपम जी का जो संगत कर रही हैं तानपुरे पर सरिता जी के साथ, और तबले पर हैं कुलदीप कुमार जी। तो आप सभी का स्वागत है और सरिता जी आपसे पुनः निवेदन है कि आप इस व्याख्यान को आगे बढ़ाएं। तो जैसे हम इसके पहले भाग में आपको अब स्वरों के बारे में बता रहे थे कि स्वरों को कितना प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो विद्यार्थियों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अधिकतर विद्यार्थी इसीलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता कि किस स्वर को कितना लगाना चाहिए। तो मैं ये कहूँ कि षड्ज के बारे में मैंने आपको बताया, ऋषभ के बारे में बताया, गांधार के बारे में बताने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगी कि देशकार एक ऐसा राग है जो आजकल सुनने में कम आता है। मैं पीछे सुन रही थी कि इट्स अ डाइंग राग, या ये बहुत कम गाया जाता है। ऐसा नहीं है, देशकार जो है लोग शायद विद्यार्थी इसलिए इसको नहीं गाते ज़्यादा, क्योंकि उनको शायद ये समझ में नहीं आता कि इसमें इसको हम गाएंगे तो शायद कहीं हम भोपाली में चले जाएंगे या हम शुद्ध कल्याण में चले जाएंगे। मैं समझती हूँ कि यदि राग को समझकर गाया जाए तो हर राग में उतनी ही खूबसूरत चीज़ें जो हैं सामने आएंगी, और विस्तार कहें चाहे पलटे कहें वो बहुत खूबसूरत तरीके से आप निभा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मुझे ये सोच लगा कि मैं इसको किस तरीके से पेश करूँ कि ये राग भी इंटरेस्टिंग बने। तो राग को समझने के लिए राग के प्रयोग होने वाले जो स्वर हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा कितनी मात्रा में कितने प्रमाण में जो है उसका किन स्वर संगतियों के साथ इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि मैं बार बार उदाहरण देती हूँ क्योंकि कुछ ऐसे बेसिक उदाहरणों से मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बातें समझ में आती हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि हम किसी से कहते हैं कि हम चाय बनाना है, तो हम उसको कहेंगे चाय, दो लोगों के लिए चाय बनानी है। तो ये दो लोगों के लिए चाय का अर्थ ये नहीं है कि हम उसमें दो चम्मच जो है चाय पत्ती डालें और दो चम्मच चीनी डालें, दो कप जो है दूध डालें, दो कप जो है वो पानी डालें। इसका मतलब हमने सबको समान दृष्टि से देख लिया तो वो चाय नहीं कुछ और बनेगी। उसको बनाने के लिए कुछ उसका प्रमाण फिक्स्ड है कि इसको चाय बनानी है तो इतनी अनुमानतः इतनी पत्ती डालनी है या इतना दूध डालना है या इतनी शक्कर डालनी है या इतना पानी डालना है। हमको रिजल्ट क्या चाहिए? रिजल्ट हमें चाहिए कि हमें दो कप चाय चाहिए। इसी प्रकार से हम यदि इन रागों में देखते हैं तो रागों में हम स्वरों का इस्तेमाल करके रागों का स्वरूप बना रहे हैं, राग को दर्शा रहे हैं और राग को गा रहे हैं। तो उसमें भी हर स्वर का अपना एक प्रमाण है कि हम किसी स्वर को यदि ज़्यादा इस्तेमाल कर देंगे तो राग बिगड़ जाएगा। मैं ऋषभ की बात कर रही थी कि ऋषभ को यदि हम ज़्यादा गाएंगे, ज़्यादा उस पर ठहराव करेंगे तो राग बिगड़ जाएगा, राग जो है वो शुद्ध कल्याण की तरफ पहुँच जाएगा। तो इसको अब आपने समझ लिया होगा। अब मैं गांधार की बात करती हूँ। सा ग प ग रे सा। अब ये देखिए षड्ज से मैं सीधे गांधार पे गई। सा ग प ग प ध ध प ध ग प। गांधार का प्रयोग आरोह अवरोह दोनों में है। सा ग प, गायक कलाकार लोग, संगीतकार लोग, विद्वान लोग जो हैं देशकार और भोपाली का डिफरेंस दिखाने के लिए ऋषभ को का लंघन करते हैं, यानी उसको लांग देते हैं आरोह में। सा ग प, इस प्रकार से गांधार का प्रयोग करके षड्ज के साथ सीधे पंचम पर जाते हैं आरोह में, और अवरोह में ग रे सा गांधार का प्रयोग जो है प ग रे सा पंचम से गंधार पे आना, गंधार से ऋषभ को लेते हुए षड्ज पर आना। और जो बिलावल की जो का जो अंग है, क्योंकि बिलावल ठाट कर आ गए, ध ग प, इस स्वर संगति में गांधार का बखूबी प्रयोग होता है। ग प द द प ध ग प, इस प्रकार से प्रयोग होना। सा ग प ध ग प ग रे सा रे द सा। देखिए
आरोह और अवरोह में भी गांधार का बखूबी प्रयोग होता है। और गांधार वैसे भी संवादी स्वर है, यानी धैवत और गांधार की संगति है। धा गा पा गा पा दा दा पा दा गा पा, इस प्रकार से गांधार का प्रयोग होता है। अगला स्वर आता है हमारा पंचम, क्योंकि मध्यम पे इसमें इस्तेमाल ही नहीं होता, तो पंचम आने पर पंचम जो स्वर, जैसे मैंने आपसे कहा कि पंचम जो है वो न्यास का स्वर है। न्यास का अर्थ होता है उस पर रुकना, उस पर एम्फेसिस देना, पॉज। तो पंचम जो है उसको, उस पर बार बार पंचम पे रुका जाता है, स्वर संगति आके ठहरती है। ठहरना क्यों होता है, ये प्रश्न आएगा कि पॉज क्यों देना होता है, ठहरना क्यों होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ठहरना इसलिए होता है कि हम, जैसे हम चल रहे हैं और हम यदि ठहरेंगे नहीं तो आगे चल के हमारी जो है सांस फूलने लग जाएगी, हम जो है अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे। तो जो आगे की जो यात्रा है राग की, या आगे की जो स्वर संगतियाँ लेके राग का विस्तार किया जाता है, उसमें जब पॉज होता है तो वहाँ पर कहीं एक ठहराव मिलने से हमें आगे के लिए सांस लेने का मौका मिलता है, या हम आगे की स्वर संगतियों को पूरे एनर्जी के साथ उसको हम गा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है जो मुझे, जब मैं उसको गाती हूँ तो ये मुझे फील होता है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पुस्तकों में नहीं होती, लेकिन आप उसको प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, तब वो बताती है। सा सा ग ग पा, तो आप देखिए पा ग ग प द ग प, इस स्वर संग ग प द द सा द प ग ग प, आरोह में भी पंचम है। प द ग प ग रे सा रे द सा, सा ग ग प द द प ग ग प प सा द प सा प। अब शर्द से भी पंचम पर आते हैं अवरोह में। ग प द द प द ग प द द सा प, बंदिशों में भी ये दिया गया है। सा प द ग प द द सा द प, ऐसे भी आते हैं। देवत को लेकर भी पंचम पर आएंगे, तार सप्तक के साथ से भी पंचम पर आएंगे, और पंचम से भी कभी कभी हम षड्ज पर जाते हैं। तो पंचम जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कोई भी स्वर संगति, क्योंकि इस राग में देखिए लेदे के जो हैं पांच स्वर हैं, उन पांच स्वरों में से भी जो है ऋषभ को हम लंघन करते हैं, अल्प प्रयोग होता है, तो बचते कितने हैं, चार स्वर हैं। तो उनमें न्यास के स्वर तो फिर वही गिने चुने ही हैं, और उन न्यास के स्वरों में कोई ना कोई ऐसा स्वर है जो कि सपोर्टिव होता है, ब्रिज की तरह काम करता है। तो चाहे ग प द द प द ग प, तो आप देखिए गंधार से भी पंचम पर जा रहे हैं, धैवत से भी पंचम पर जा, तो इट इज़ जस्ट लाइक अ ब्रिज, एक ब्रिज का काम करता है आगे जाने वाले यात्रियों के लिए और नीचे उतरने वाले यात्रियों के लिए, यानी आगे जाने वाले स्वरों के लिए और नीचे उतरने वाले स्वरों के लिए भी। तो ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट स्वर है। इसके बाद बात आती है धैवत की। धैवत जो है वो क्योंकि वादी स्वर है, वादी उत्तरांग भाग में है, उत्तरांग वादी राग है, तो इसका प्रयोग बार बार किया जाता है। किस प्रकार से, अभी तक आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं आपको रिपीट करती हूँ। सा सा ग ग प ग प द द प ग प ध द प ध ग प ग प द सा द प द ग प ग प द द सा रे द सा। अब देखिए तार सप्तक के ऋषभ से फिर हम धैवत पर आए और फिर सा पर चले। रे द सा द प ग प द द सा द प द ग प, कितना खूबसूरत संवाद है, कितना खूबसूरत इन ये स्वर समुदाय हैं जो कि राग को अपना एक अलग ही स्वरूप प्रदान करती हैं। ग प द द प हरि हरि नाम ले तू मन मेरो जासो कटत सब पाप घनेरो। तो आप देखिए ग प द द सा द प ग प द प ग रे सा, तो इसका मतलब कि हम राग में जो स्वरों का इस्तेमाल करते हैं वही राग के स्वरूप को बनाते हैं। तो चाहे हम आरोह में बोले तब भी धैवत बहुत प्रोमिनेंट है, चाहे हम अवरोह में बोले तब भी धैवत बहुत प्रोमिनेंट है। और षड्ज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो जब स्वरों को
किस प्रकार से प्रयोग होना है स्वरों का, यदि वो हम जान लें तो हमें, मुझे लगता है कि राग के बारे में 80% चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। अब बात आती है कि उसका कैसे प्रयोग होना है, तो किस प्रकार से प्रयोग होना जब हम राग को गाते हैं। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा स्वर संगतियों के साथ किस प्रकार से इन स्वरों का प्रयोग होता है, किस स्वर का हमने प्रयोग नहीं करना, किसका अल्प प्रयोग करना है, उसके अलावा कौन सी स्वर संगतियाँ इम्पॉर्टेंट हैं। इतना समझ में आ गया, इतनी आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आपको जो है, मैं मेरे हिसाब से आपको 80% जो है आपको राग आ जाता है। अब बात आती है आपकी, आप कितना उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम राग की पलटों को करें। पलटे जो हैं, इस प्रकार से मैं कहती हूँ कि कपड़े की थान होती है, पूरा रोल होता है, क्लॉथ मार्केट से आप देखिए क्लॉथ का पूरा एक रोल आता है, उसमें से हम जो है दुकानों से लेते हैं तो काट के उतना पीस लेते हैं जितने की हमें आवश्यकता होती है, तो पलटे भी वही काम करते। पलटों का अर्थ होता है बार बार पलटना, बार बार उसको रिवाइज करते चले जाना। तो इस पलटों के अभ्यास करने से हम बाद में बंदिशों में तानों को बहुत आसानी से जो है हम अपना बना सकते हैं और गा सकते हैं। तानों की जो आधारशिला है वो पलटों पर ही निर्भर करती है। तो चलिए अब हम इसकी पलटों को आपको बताते हैं। कुछ पलटे हम आज आपको बताएंगे, कुछ पलटे हम अपने अगले सेशन में बताएंगे, क्योंकि हमारा ये जो ख़ास ये जो एपिसोड शुरू हो रहा है ये है हमारा बंदिशों को लेकर। तो मेरी पुरजोर ये कोशिश रहेगी कि आपको हर बार 2 बंदिशें कम से कम आपको बताई जाए, ताकि आप बंदिशों को भी साथ साथ याद करें, और जब आप बंदिशों में विस्तार करें तो आपको वो बात जो मैंने स्वर विस्तार के समय बताई है या स्वर समुदायों का जो प्रयोग बताया है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, वो आप उन बंदिशों में प्रयोग करके जो है आप उसको खूबसूरत तरीके से गा सकते हैं। अब इसमें सा सा गा गा पा दा गा पा गा रे सा रे द सा, ये बार बार इस्तेमाल, सा गा पा दा दा सा दा पा दा गा पा गा रे सा रे द सा, ये आपने देखा कि एक खाचा इसका बन चुका है, एक हमें तरीका पता चल गया राग कैसे जाएगा। अब इसी में से पलटों का, आप स्वयं अपने पलटों का निर्माण कैसे करेंगे। सा सा गा पा धा पा गा रे सा सा गा पा दा सा दा पा गा रे सा सा गा पा दा सा रे दा सा सा दा पा गा रे सा, बिल्कुल सिंपल है और है वही जो आपको अभी तक के इस राग के चलन में बताया गया। सा सा गा पा धा पा गा रे गा पा दा सा दा पा गा रे गा पा दा सा रे दा सा सा दा पा गा रे गा रे सा 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 गा सा सा गा पा गा रे। अब इसी में से मैं बना रही हूँ, सा सा गा पा गा पा गा रे सा सा गा पा धा पा गा रे सा सा गा पा दा सा दा पा गा रे सा सा गा पा दा सा रे सा दा पा गा रे सा सा गा पा दा सा रे दा सा सा दा पा गा रे गा रे सा, बिल्कुल वही है जिस प्रकार का चलन बताया। फिर से सा सा गा पा गा रे सा सा गा पा धा पा गा रे सा सा गा पा दा सा दा पा गा रे सा सा गा पा दा सा रे सा दा पा गा रे सा सा गा पा दा सा रे दा सा सा दा पा गा रे गा रे सा। तो आप कहेंगे कि भोपाली से अलग कैसे होगा, सा रे गा पा गा रे सा रे सा दा सा। मैंने आपको भोपाली में ये पलटा बताया था जब मैं भोपाली बता रही थी, अभी मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी, छोटा सा सा रे गा पा गा रे, यहाँ पे क्या था सा सा गा पा गा रे, पहला ही अंतर हो गया। सा सा गा पा गा रे गा पा गा रे गा पा दा सा धा पा गा रे गा पा दा सा रे दा सा सा धा पा गा रे गा रे सा, बहुत आसानी से आप इस पलटे को गा सकते हैं। और यदि देखा जाए तो सा सा गा पा गा पा दा सा धा सा धा पा गा पा दा सा रे सा धा पा गा पा दा सा रे दा सा सा धा पा गा रे सा। आप
देखिए धैवत कितना अधिक प्रोमिनेंट है, कितना अधिक प्रयोग हो रहा है। सा सा गा पा गा पा गा रे सा सा गा पा धा पा धा पा गा पा धा पा धा सा धा पा गा पा धा सा रे सा धा पा गा पा धा सा रे धा सा सा धा पा गा रे सा। ये जो मैंने आपको बताए हैं पलटे, मैं राग के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए आपको ये पलटे बता रही हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ लोग ये इस प्रकार से गाते हैं, सा रे गा पा धा पा गा रे सा रे गा पा धा सा धा पा गा रे सा रे गा पा धा सा रे सा धा पा गा रे सा रे गा पा धा सा रे गा रे सा धा पा गा रे सा रे गा पा धा सा रे गा पा गा रे सा धा पा गा रे सा। इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है। देखिए तानों में जब हम तैयारी से तानों को लेते हैं फास्ट स्पीड में तो ये भी ठीक है, लेकिन हमने बार बार ये दिखाना है कि ये राग देशकार है, ये राग भोपाली नहीं है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, ये क्वेश्चन आएगा। तो डिफरेंस दिखाने के लिए हमने उन स्वर समुदायों का भी पलटों के रूप में प्रयोग अधिक से अधिक करना है, जिससे कि राग देशकार का फॉर्म हमारे सामने रहे। धा दिन दिन सा सा गा पा गा रे सा सा गा पा धा पा गा रे सा सा गा पा धा सा धा पा गा रे सा सा गा पा धा सा रे सा धा पा गा रे सा सा गा पा धा सा रे गा रे सा धा पा गा रे सा सा गा पा धा सा रे गा पा गा रे सा धा पा गा रे सा। तो आप जो है इस प्रकार से ले सकते हैं। तो हमने डिफरेंस कहाँ दिखाया, सा सा गा पा गा रे सा, तो सा गा पा देशकार का इम्पोर्टेंट फ्रेज। अब दूसरा देखते हैं, सा सा गा पा धा गा पा पा गा पा गा रे सा रे धा सा। इसे मैंने तीन फ्रेज एक साथ यूज किए, सा सा गा पा पहला, सा सा गा पा धा गा पा पा दूसरा फ्रेज, और सा सा गा पा धा गा पा पा गा पा गा रे सा रे धा गा सा तीसरा कर लिया। तो हम इसमें चाहें तो दो इस्तेमाल करें, धा दिन दिन धा दिन दिन धा तिन तिन धा सा सा गा पा गा रे सा सा गा पा धा गा पा पा गा पा गा पा गा रे सा। बहुत सुंदर तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है, सा सा गा पा धा गा पा पा बिलावल अंग यहाँ पर और देशकार का इम्पोर्टेंट फीचर दिन दिन दा दा दिन सा सा गा पा धा गा पा पा गा पा गा रे सा सा गा पा धा सा धा पा धा गा पा पा गा पा गा रे सा सा गा पा धा सा रे धा सा सा धा पा गा पा गा पा गा रे सा 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 गा पा धा सा रे धा सा सा धा पा गा पा धा गा पा पा गा पा गा रे सा। जब आप इसको समझकर गाएंगे तो आपको ये कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी, इसीलिए मैंने लय कम रखी है ताकि आपको वो समझ में आए। और जब आप राग के स्वरूप को समझते हुए गाएंगे तो आपको बहुत इसका आनंद आएगा, आपको इसका जो एक अलग रसा स्वादन आपको होगा। आप एक तरफ राग को टेक्निकली बिल्कुल सही गा रहे हैं, दूसरी तरफ आप राग के जो स्वर समुदाय का जो एक रस है उसका भी आप आनंद ले रहे हैं, और तीसरी तरफ आपके ताने और आपकी पलटों का अभ्यास हो रहा है। धा दिन दिन धा धा सा सा गा पा धा गा पा पा गा पा गा रे सा 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 गा पा धा सा धा पा गा पा धा गा पा पा गा पा गा रे सा 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 गा पा धा सा रे धा सा सा धा पा गा रे गा पा धा गा पा पा गा पा गा रे सा। तो ये एक उदाहरण जो है आपको मैंने पलटों का दिया। आप इन पलटों को बार बार अभ्यास करिए। अगले सत्र में मैं कुछ और पलटे दूंगी, क्योंकि एक साथ देने से कहीं किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। जब भी हम पलटों का अभ्यास करें तो देखिए बराबर तीन ताल चल रही है तबले पे। हम इसको अधिक स्पीड में एकदम से नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमारा आकार जो है वो फिसल सकता है। स्वरों को गाते भी हमारे मुंह से जो जो स्वर निकलते हैं वो गड़बड़ा सकते हैं।
सा सा गा पा द गा पा पा गा पा द सा रे द सा 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 द प ग रे सा। इस पलटे को गाते हुए मुझे एकदम ये ध्यान आया कि मैं आपको एक पॉइंट जो है वो ज़रूर मुझे बताना चाहिए, वो है सा सा द सा। इसके सवाल सा द सा प ग प सा द सा प ग प प ग प सा द सा। सवाल और जवाब बैलेंस जो है इस राग में भी है। दूसरा ग प द ग प ध सा रे द सा। सवाल और जवाब ग प द ग प ध सा रे द सा। ये राग के जो है सवाल जवाब को जानना हमारे लिए बेहद बेहद ज़रूरी है, तब हम इस राग के साथ पूरी तरह से न्याय कर सकते हैं। तो चाहे हम आगे चलकर इन पलटों को थोड़ा फास्ट स्पीड में भी कर सकते हैं, जैसे कि हम कोशिश करते हैं धार के सा सा ग प द ग प प ग प ग रे ग रे सा 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 ग प द सा द प ग प द ग प प। आप देखिए बराबर मेरे हाथ से ताल चल रही है, तो आप जब गाते हैं तो ताल देते हुए जो है आप गाइए, तो आपकी जो तान है वो कभी फिसलेगी नहीं। सा सा ग प द ग प प ग प ग रे ग रे सा 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 ग प द सा द प द ग प प ग प ग रे सा 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 ग प द सा रे द सा सा द प ग प द ग प प ग प ग रे सा 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 ग प द सा रे ग रे सा द सा द प ग प द ग प प ग प ग रे सा। तो आप धीरे धीरे इसको आकार में करिए, और जब आपके आकार आपको लगता है कि एकदम क्लियर हो गई है, फिर आप चल के आगे जो है उसको थोड़ा स्पीड बढ़ा के और स्पीड में आप कर सकते हैं। तो ये तरीका है कि आप किस प्रकार से अपना रियाज राग देशकार के अंतर्गत करें। तो जैसे हमने पहली बंदिश गाई थी, उसके बाद हम एक बंदिश जो हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं उसको गाते हैं, बोल है हरि हरि नाम ले तुमन मेरो। तबला जो है हो चाहे तानपुरा हो, दोनों सुर से आगे पीछे बिखर सकते हैं। जैसे हमें अपना गला ठीक करना होता है, गला ख़राब हो तो हम थोड़ा सा खराशते हैं, या जब सुबह का रियाज करते हैं तो उससे हमारे गले में काफ़ी अधिक खराश रहती है, या मौसम की वजह से या एयर कंडीशन की वजह से या किसी और पॉल्यूशन की वजह से गले पर असर हो सकता है। लेकिन आप यदि अपना रियाज लगातार करते हैं, रोज करते हैं, तो गला खराब एक अलग चीज़ है लेकिन सुर अपनी जगह पर बिल्कुल सही लगेंगे। हरि हरि नाम ले तुमन में, हरि हरि नाम ले तुमन में, हरि हरि नाम ले तुमन में, जासु तत सब पाप घने रे, जासु तत सब पाप घने, हरि हरि प द सा सा द द प प ग प द प ग रे सा, हरि हरि नाम ले तू मन में, जासु तत त सब पाप घने रे, प ग प सा सा रे सा ग प द प ग रे सा सा प प सा सा रे सा ग प द प ग रे सा, हरि हरि ले तू मन में, हरि हरि नाम ले तू मन में, नाम ले तभव पार उतरत, नाम ले तभव पार उतरत, ग प द सा सा रे सा सा द द सा रे सा सा द, ग प द सा रे सा सा द द सा रे सा सा द, यह हूँ पदे
प द प ग र स हरि हरि नाम ले तो मन में हरि हरि नाम ले तो मन में जासु कटत सब पाप घनेर जासु कटत सब पाप घनेर हरि हरि नाम ले तो मन में हरि हरि नाम हरि हरि नाम हरि हरि नाम ले तो मन में। तो देखिए, मैंने जिस प्रकार से आपको स्वर संगतियां बताई, जिस प्रकार से राग में कौन सा स्वर कितना प्रयोग होता है, इन बंदिशों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आता है। चाहे वो धैवत पर अधिक प्रबलता हो, चाहे वो गंधार पर संवादी के रूप में प्रबलता हो, या मध्य और तार सप्तक के स्वरों का चमकना हो, या ऋषभ और धैवत की संगति हो अवरोहात्मक प्रयोग में, या षड्ज और पंचम की संगति हो, तो वो जो चीज़ें हैं ये सभी इस बंदिश में या इससे पहले की बंदिश में बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ गए हैं। मैं आपसे बार बार अनुरोध करूंगी कि आप इन बंदिशों को गाइए, उससे पहले आप राग को समझिए, उनके स्वर विस्तार जिस प्रकार मैंने एक एक स्वर बताया उसको आप बारंबार उसको अभ्यास करिए, तो चीज़ें आपको एकदम क्लियर होंगी। जब आपके मस्तिष्क में राग का जो सांचा है, राग का स्वरूप एकदम क्लियर होगा, तो आप बंदिशों के साथ भी न्याय कर सकेंगे। और साथ ही साथ जब आप पलटों का अभ्यास अच्छे से करेंगे, तो बंदिशों को गाते समय आलापचारी के अलावा तानों को जो है आप बहुत अच्छे से उनका निर्वाह कर पाएंगे। तो इस राग को मैं आगे और कंटिन्यू रखूंगी एक और सत्र में, जिसमें आपको विलंबित ख्याल बताया जाएगा और कुछ और पलटों को मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको इस राग के बारे में एक कंप्लीट जो एक जानकारी आपको मिल सके। और आप कहीं भी कोई भी बंदिश सीखें, कुछ भी आप गाएं लेकिन या बजाएं, राग देशकार आपके मस्तिष्क में एकदम क्लियर होना चाहिए। जी, और यहाँ पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी को, जिनके ज्ञान रूपी सागर से निरंतर जितने भी छात्र छात्राएं हैं या फिर देखने वाले हैं उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, और इस ज्ञान को आत्मसात कर आप लाभान्वित महसूस करते हैं। मित्रों, हम यही चाहते हैं कि अगर आप हमसे लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है, प्रश्न है, प्रतिक्रिया है, तो ज़रूर साझा करें info.cec@nic.in पर। आप सभी मित्रों से पुनः मुलाकात होगी जल्द ही, और जैसा कि डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी ने कहा कि हम एक और सेशन आप सभी के लिए आयोजित करेंगे राग देशकार पर ही। तो मित्रों, हम यही चाहते हैं कि आप YouTube के माध्यम से सभी लेक्चर्स को देखें और उसके उपरांत ज़रूर हमें लिख भेजें। आज हम आपसे विदा ले रहे हैं इस वादे के साथ कि जल्द हाजिर होंगे, और एक बार फिर डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद रूपम जी और कुलदीप जी को।